हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम आ चुके हैं लखनऊ के भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा। चलिए आगे दिखाते हैं आगे का नज़ारा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये देखिए, ये सामने टिकट मिलता है। देखिए कितना बड़ा सा, कितना ऊंचा गेट है। और ये है पीछे का नज़ारा, जो जहाँ से अभी हम आए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना बढ़िया। ये देखिए जहाँ से पीछे अभी हम आए वहाँ का गेट है। अभी हम आगे चलते हैं। ये सामने भूल भुलैया और ये मस्जिद है और ये पीछे का गेट है। और ये देखिए कुछ इस तरह नज़ारा है। अभी हम चलते हैं आगे, आगे का दिखाते हैं। सामने आपको इमामबाड़ा की अहमियत को समझाना है, मुस्कुराइए। सामने गाइड करना पड़ेगा, बाहर गाइड अंदर आप नहीं जा सकते। भैया मोबाइल का टॉवर ऑन कर लिए पीछे वाले, टॉर्च ऑन कर लो। मोबाइल का टॉवर ऑन कर ले सब लोग। आइए अंदर आइए, आगे चलो, उसके पास चलो। चलो आइए अंदर, आते रहिए सब लोग सीधे। आइए बहुत गहरा है सब। आइए भैया आगे आइए, 12 नंबर वाले आगे आइए। अब आप लोग यहाँ से देखिए सामने पानी पे। बाहर से हम लोग ने देखा था काला गंदा पानी दिख रहा था, अब यहाँ से देख रहे हैं तो वो पानी डिस्प्ले का काम कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर उस जमाने में सिपाही खड़े होते थे और इसी पानी में देखते थे गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 240 साल पुराना सिक्योरिटी सिस्टम, पानी वाला कैमरा। वापस आ जाएंगे। हम लोग जूता पहने, नंगे पैर है। अब हम लोग जूता पहने नहीं तो नंगे पैर है। 12 नंबर किसी के सामने आए तो सर झुका कर आए अदब से। अभी जो कुआं आपने देखा इसमें जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया तो राजे साहब के अकाउंटेंट होते थे निवालाल रस्तोगी, उनके पास खजाने की चाबी रहती थी, उसी चाबी में यहाँ का खुफिया रास्तों का नक्शा बना हुआ। तो जब अंग्रेजों ने उनसे वो चाबी छीनने की कोशिश की तो वो चाबी लेके इसी कुएं में फांक गए। अंग्रेज भी उनके पीछे फांदे थे लेकिन आज तक बाहर निकल के नहीं आ सके। निवालाल रस्तोगी को सब रास्ते मालूम थे इसलिए वो चले गए। उसके बाद से आज तक अंग्रेजों को ना तो खजाना मिला नवाबवासी को दौला का, ना तो चाबी का कुछ पता चला और ना निवालाल रस्तोगी का कुछ पता चला। और जो अंग्रेज अंदर गए थे वो कभी बाहर भी नहीं आ सके। तो उसके बाद से सारे रास्ते बंद कर दिए थे अंग्रेजों। अब सब इसी के अंदर चले। आवाज आ रही है
वहाँ के कपिल चाइनीज प्लेटों का आकार लेकर के इस पूरे हॉल को तैयार करा है। ऊपर जो आप लोग आकार देख रहे हैं, चाइनीज प्लेटों का आकार लेकर के इस पूरे हॉल को तैयार करा, तब जाके नाम दिया चाइनीज हॉल। ऊपर जो लाल कुर्सी आप लोग देख रहे हैं, उस जमाने के रोशनदान है, हवा आने के लिए, रोशनी पास होने के लिए, तो इसमें कोई बैठता नहीं था। सुराग जो खुले रोशनी और हवा आने के लिए, इसमें ही पूरी भूल भुलैया है। धार्मिक स्थल बनवाया बड़ा इमाम बाड़ा, आसिफी बड़ा इमाम बाड़ा, नवाब साहब के नाम से दिया जाएगा। और देखे आप लोग, एशिया का नंबर वन हॉल कहा जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बीच में कोई भी खंभा या पिलर नहीं दिया हुआ है। ऊपर लाल गैलरी आप लोग देख रहे हैं, गाइड इसके ऊपर लेकर के जाता था, पेपर माचिस चुटकी की आवाज सुनाता था। जब ये तीनों काम करता था, पूरी बिल्डिंग में उसकी आवाज गूंज जाया करती थी, इकोसिस्टम। अब ये गैलरी पे बैंड लग चुका है क्योंकि गैलरी पूरी हिल रही है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है, जब पूरी हो जाएगी वो चीज फिर से खोल दी जाएगी। आइए देखिए, सामने देखें आप लोग, लाइन से शीशे रखे, उस जमाने के बेल्जियम ग्लास 270 साल पुराने शीशे आके पूरे इमाम बाड़े में रोशनी होती थी। अंदर आप लोग देख रहे हैं, लाल कपड़ा लगा है, उस पे तीर का, हाथ के पंजे का निशान, इमाम हसन इमाम हुसैन जो अवतार थे, ये उनकी फौज के निशान है। शीशे के अंदर शाही इसलिए लगाया जाता है, नवाबों के टाइम से जितनी भी चीजें होती हैं सब उसमें शाही लगता है। ताजिया इसको बोलते हैं और जरी बोलते हैं। मुहर्रम की पहली तारीख को बड़े इमामबाड़े से उठाते हैं, छोटे इमामबाड़े तक के लेके जाते हैं। पेपर लकड़ी मोम से बनाया जाता है, पेपर लकड़ी का आपके सामने रखा है, मोम वाला छोटे इमामबाड़े के अंदर है, ठीक है। और मुहर्रम की 10 तारीख को मट्टी खोद करके इसको दफन कर देते हैं, फिर से नया बना करके यहाँ पे रखते हैं इमाम हुसैन की याद में। आइए आप लोग देखिए, शीशे के अंदर आप लोग देख रहे हैं घोड़ा, इसके दो नाम रखे जाते हैं, जुलजना और दुलदुल। छोटे इमाम बाड़े के अंदर दो व्हाइट कलर के हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चांदी के जेवर पहना करके शीशे के अंदर रखा गया सजा करके, ठीक इस तरह से मुहर्रम के जो जुलूस उठते हैं पहले से आखिर तक के हर जुलूस में। और लकड़ी का है, गोल्डन पॉलिश इस पे हर साल होती है, पूरा लकड़ी का नक्शा आएगा। आइए आप लोग, आने वाले मेहमानों के लिए देखिए हम बाहर जा रहे हैं, अंदर का बना चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना।